हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि मैं आपके साथ अब इंग्लिश कम्युनिकेटिव की कुछ एक चैप्टर्स की वीडियो और ये कहीं एक्सप्लेनेशन भी है और साथ में क्वेश्चंस भी आपको शेयर कर ही रहा हूँ, तो यहाँ पर जो आज आपके लिए लिखकर आया हूँ चैप्टर नंबर 2 है मिसिस पैकर्टाइड्स टाइगर की स्टोरी, आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। लिखने वाले कौन है? H.H. मुनरो, लेकिन वो अपना नाम साकी के तौर पे लिखते हैं जब भी कोई कहानी लिखते हैं। तो यहाँ पर जो स्टोरी शुरू होती है वो एक सेटायरिकल टोन है विद द रेवल्यूशन ऑफ मिसिस पैकर्टाइड की वेन कैरेक्टर की। वेन कैरेक्टर उसको बोला जाता है जिसमें काम की बात तो बहुत कम हो लेकिन फालतू की बातें जितनी मर्जी करवा लीजिए। तो मिसिस पैकर्टाइड में सबसे बड़ी कमी क्या है कि वो जेलसी से भरी हुई हैं। और स्टोरी है वो सेट है मेनली इन कॉलोनियल इंडिया। कॉलोनियल इंडिया का मतलब क्या होता है कि जब भारत अभी गुलाम था अंग्रेजों का। और स्टोरी क्या हाईलाइट करती है, जो एक वेन एंड प्रिटेंशियस नेचर क्या होता है, जो दिखावे वाला नेचर है ऑफ द पीपल इन द एडवार्डियन सोसाइटी। एडवार्डियन सोसाइटी का मतलब क्या होता है, जब ब्रिटिश टाइम में एडवर्ड जैसे एक सरनेम होता है ना, एडवर्ड, ये एक ऐसा सोसाइटी थी जिसमें दिखावे के ऊपर बहुत जोर होता था। तो मिसिस पैकर्टाइड लगा लीजिए उनमें से एक है। तो शी वॉज एन इंग्लिश वुमन हु डेस्परेटली वॉन्टेड टू शूट ए टाइगर। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि अरे भाई टाइगर को ही शूट क्यों करना था, उसने ऐसा क्या उसके मन में चला था। तो बेसिकली वो एडवेंचरस नहीं है, यानी उनको रिस्की आउटटेकिंग लेना कुछ या रिस्क वाला कोई काम करना ऐसा नहीं है कि उनको बहुत अच्छा लगता है, या ब्रेव भी नहीं है, बहादुर भी नहीं है। बट शी वॉज स्मिटन विद जेलसी वेन हर फ्रेंड लूना बिम्बर्टन हैड रिसेंटली बीन कैरीड इन एन एरोप्लेन बाई एन अल्जीरियन पायलट। एक्चुअल में क्या होता है, उनकी एक फ्रेंड थी मिसिस लूना बिम्बर्टन, उन्होंने एक प्लेन विद द हेल्प ऑफ अल्जीरियन पायलट जो है वो उड़ाया था। तो वो बात इनके मन में खटक रही है, अरे उसने ऐसा किया तो मैं भी कुछ अलग से करती हूँ, मुझे भी कुछ अलग से करना है। किस लिए? उनको नीचा दिखाने के लिए और साथ में अपनी पॉपुलैरिटी लोगों के अंदर डेवलप करने के लिए। तो मिसिस पैकर्टाइड वॉन्टेड टू आउटशाइन हर, और यही वन ऑफ द रीजन था, एंड लॉन्ग टू प्रूव दैट शी वॉज नो लेस, और लोगों के सामने प्रूव करना चाहते कि वो भी किसी से कम नहीं है। हर अल्टीमेट डिजायर वॉज टू ऑब्टेन अ टाइगर स्किन एंड डिस्प्ले इट वुड अपियर ऑन द वॉल ऑफ हर हाउस। तो एक्चुअल में चाहते कि वो अपने घर की वॉल पर इसको सजाएं। तो कहने का मतलब क्या है, ये चीज़ बहुत बड़े लेवल पर वो करने वाली थी। तो इफ़ शी सक्सीडेड इन किलिंग टाइगर एंड हर फोटोग्राफ इन द प्रेस एंड शी वुड होस्ट ए पार्टी इन कर्जन स्ट्रीट, ये स्ट्रीट का नाम है कर्जन स्ट्रीट इन लूना बिम्बर्टन्स ऑनर। बट तो क्या होगा, पार्टी का मतलब ये कहेगा कि ओनर तो उसका कर रही है वो लूना बिम्बर्टन का, लेकिन पूरे जो पार्टी का जो टॉक होगा वो क्या होगा, हंटिंग एक्सपीडिशन जो उन्होंने किया, यानी एक टाइगर को उन्होंने जो मारा है। तो ये वो उनका मोटिव था, वो जिसके जो उनके माइंड में चल रहा था। और साथ में वो ये भी प्लान करती हैं कि मैं टाइगर क्लॉ का बना हुआ ब्रूच लूना बिम्बर्टन को उनके नेक्स्ट बर्थडे पे गिफ्ट करूंगी ताकि उनको और जेलसी हो, सिर्फ उनको जेलस फील करवाने के लिए। तो ऑल हर मोटिव्स वर लार्जली डोमिनेटेड बाय हर डिसलाइक ऑफ लूना। तो इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा डिसलाइक करती हैं लूना बिम्बर्टन को, इसलिए वो सब कुछ ऐसा करने वाली थी। तो कई बार ऐसा हो जाता है, सरकमस्टांसिस जो हैं वो काफ़ी प्रपोरिश यानी ये कहेंगे प्रोपिशियस हो जाती हैं, और एक ओल्ड यानी उनके सामने सब कुछ जैसा वो चाहती हैं वैसा हो जाता है। एक ओल्ड टाइगर हु विजिटेड द विलेज फॉर फूड वाज चोजन एज द टारगेट। तो एक बूढ़ा सा टाइगर उस टारगेट के लिए चूज कर लिया जाता है। और मिसिस पैकर्टाइड ने इस पूरे काम के लिए गाँव वालों को कितने दिए, पूरे 1000 रुपीज़ की, तुम मेरे इस काम में हेल्प करो और मैं तुम्हें जो है 1000 रुपये देने वाली हूँ। अब यहाँ पर देखिए कि विलेजर्स ने इसके बदले में क्या किया, यानी वो बड़े टेम्प्टेड हो गए, लालच आ गया उनको, क्योंकि उनके लिए तो बहुत सारा पैसा है उस टाइम कॉलोनियल इंडिया में 1000 रुपये। एंड दे मेड ऑल द एफर्ट्स ताकि टाइगर को उसी एक एरिया में बाउंड करके रखा जाए किसी भी तरह से। हालांकि टाइगर मैंने आपको बताया बूढ़ा था काफ़ी, और ख़ुद भी अब हंट करने के लिए शिकार करने के लिए वो सक्षम नहीं है, उसमें इतनी एबिलिटीज़ नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है। तो इसके लिए जो उसका शिकार होना चाहिए एक गोट है, वो भी ओल्ड टाइप की गोट वो भी रख ली जाती है, कहे कि उसको डोमेस्टिक एनिमल होता है गोट, तो वो उन्हीं को अगर हंट करके किसी तरह अपना काम चला रहा था। लेकिन लोगों के मन में ये था कि कहीं बाहर ना चला जाए। तो मदर्स क्या करने लगी, ये तो चलो गोट का भी हो गया, तो मदर्स रिटर्निंग बैक फ्रॉम फील्ड वर स्टॉप फ्रॉम सिंगिंग टू देयर चिल्ड्रन सो दैट इट माइट नॉट डिस्टर्ब द स्लीप ऑफ द टाइगर। वो कहते भी किसी तरह उस दिन तक टाइगर जिंदा रहे, मरे भी ना, भी उसकी नींद डिस्टर्ब भी ना हो। सिर्फ विलेजर्स को ये डर था
कि कहीं ऐसा ना हो मिसिस पैकराइट की जो एक एक 1,000 रुपीज़ की जो बेट है, लालच है उनके मन में कि कहीं वो उनके हाथ से छीन ना जाए, तो ये उनके मन में डर था। तो ऑन द इवेंटफुल डे जो मिसिस पैकराइट है वो अपनी पेड कंपेनियन, एक्चुअल में क्या होता है जो पेड कंपेनियन है जो उनकी मिस मेबिन उनके साथ आती हैं और इसके लिए बड़े सारे अरेंजमेंट कर लिए जाते हैं। देवर मेड टू सिट ऑन ए प्लेटफॉर्म, एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म पेड़ के ऊपर बना दिया जाता है और एक ऐसी गॉड चूज की जाती है जिसकी ब्लीट, ब्लीट क्या होती है, जिसका जो लाउड साउंड है इट वॉज डेड और नियर द स्पॉट, इसको टाइप कर दिया जाता है। एंड मीन वाइल जो टाइगर अपियर होता है ऑन द सीन एंड स्लोली वॉक टूवर्ड्स द गॉड, और वो गॉड की तरफ बढ़ता चला जाता है। तो मिसिस पैकराइट फायर करती हैं एक शॉट विद हर राइफल एंड द टाइगर फेल डाउन टू वन साइड, और टाइगर जो है एक साइड पे गिर जाता है। विलेजर्स भी शाउट करते हैं खुशी के मारे एंड दे वर श्योर दैट दे विल गेट दे 1,000 रुपीज़ जो उनको प्रॉमिस किया गया था और जो उनके लिए बहुत बड़ा अमाउंट था। तो मिसिस पैकराइट खुद बहुत खुश हैं और हैप्पी हैं, जॉयफुल हैं, और जो बीटिंग ऑफ द ड्रम्स हैं वो इंडिकेट क्या करती है कि मिसिस पैकराइट ने अपना जो काम था, अपना जो सपना है वो पूरा कर लिया है, और अब ये भी श्योर हो चुका था कि वो एक पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगी। तो एक बड़ा सा जो कहते हैं ना कि एक अवसर है उनके सामने अपनी फ्रेंड को, लूना विंबरटन को नीचा दिखाने का। लेकिन मिस मेबिन जो है वो काफ़ी क्लेवर हैं एंड उन्होंने अटेंशन जो है लोगों की इस तरफ खींची कि दैट इट वाज एक्चुअली द गॉड विच हैड डाइड ऑफ द बुलेट वोंड एंड द टाइगर बींग ओल्ड एंड डाइड ऑफ द हार्ट अटैक। तो ये देखिए कि किसी और ने इस चीज़ को नोटिस नहीं किया था, बट ये किसी ने नोटिस किया, मिस मेबिन ने। अब वो चाहती तो ऐसा कर सकती थी और लोगों का अटेंशन भी इस तरफ लेकर आ सकती थी, और इनफैक्ट उन्होंने ऐसा किया भी। मतलब ये लगा लीजिए कि लोगों को हल्का सा हिंट दिया तो मिसेस पैकराइट को ये लगा कि अगर प्रेस में ही बात चली जाती है कि टाइगर उनकी गोली से नहीं मरा तो उनकी तो इंसल्ट हो गई, क्योंकि एक्चुअल में क्या हुआ था, एंड में ये पता लगता है कि जो गॉट है उसको बुलेट लगी थी और टाइगर तो वैसे ही बूढ़ा होने की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से वो नीचे गिर जाता है और उसकी डेथ जो है मिसिस पैकराइट की बुलेट से नहीं होती। और मिसिस पैकराइट की जो पिक्चर्स हैं, अब आप देखो, अब जैसे मिस मेविन का मुंह बंद करवाने के लिए कुछ तो करेंगी वो, तो उधर से मिसिस पैकराइट की पिक्चर्स भी जैसे नेक्स्ट डे वहाँ जो वीकलीज में, 2 वीकलीज में आ जाती हैं। लूना बिम्बर्टन जो है उन्होंने डिक्लाइन कर दिया इनविटेशन लंच पार्टी का, लेकिन वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया जो टाइगर क्लॉ ब्रूश था विद रिप्रेस्ड इमोशंस, चलो कोई बात नहीं कर लेती हो। तो मिस मेविन बड़ी मनी माइंडेड है, कनिंग है। अब उनके माइंड में एक बात फिर से चल रही है कि चलो ठीक है, मैं मानती हूँ उस टाइम मैंने चांस खो दिया, लेकिन अब ये चांस नहीं खोना। ये बात मैं मिसिस पैकराइट को बता के रहूँगी कि जो टाइगर है वो आपके बुलेट से नहीं मरा था, तो इसके बदले में वो क्या मांगना चाहती हैं, वो सिर्फ लालची हैं तो ऑफकोर्स वो पैसा ही मांगेंगी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, वो एक्चुअल में चाहती थी मनी टू बाय अ वीकेंड कॉटेज नियर डॉर्किंग और टू कीप हर माउथ शट, मिसिस पैकराइट वॉज फोर्स टू पे फॉर दैट कॉटेज एंड मिस मेबिन नेम द कॉटेज द वाइल्ड बीस्ट। क्या नाम रखा, द वाइल्ड बीस्ट। एंड सिंस देन जो मिसिस पैकराइट है नेवर इंडल्ज इन अ बिग गेम शूटिंग एंड शी कन्फाइंड टू हर फ्रेंड्स दैट इंसिडेंटल एक्सपेंसिस वर टू हैवी फॉर सच काइंड ऑफ हंटिंग। वो कहती कि देखो चलो मानती हूँ कि मैंने हंटिंग के लिए बड़ा ऑर्गेनाइज किया सब कुछ, लेकिन जो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है ना, यानी छोटे मोटे खर्चे मिला के बड़ा अफेयर हो जाता है। तो अब वो टाइगर जो है विलेजर की वजह से मारा था, लेकिन जो रियलिटी है वो आपको पता ही है कि मिस मेबिन को पता थी, और मिस मेबिन ने इसी बात का फ़ायदा उठा के उनको ब्लैकमेल किया और उनसे जानबूझ के अपने लिए एक वीकेंड कॉटेज का अरेंजमेंट कर लिया कि हम कभी भी अपना जाना होगा तो वीकेंड कॉटेज को इंजॉय करेंगे। तो विद दिस आई जस्ट स्टॉप द वीडियो, बट दिस इज नॉट द एंड, आई हैव ऑलरेडी गिवन द क्वेश्चंस वीडियो, तो आप वो भी जरूर देखिएगा। लेकिन साथ में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट पॉइंट आपकी जो है द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल, तो उसकी एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, उसके बाद आपको मैं साथ साथ डिस्कस करूंगा क्वेश्चन आंसर इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर वीडियो चलेगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। हैव वेरी नाइस डे।